बैठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ में लीजिएगा कि सब आ जाएगा, सभी लोग आ जाएंगे। मैं कुछ सवाल भी आपसे पूछूंगा और बढ़िया हो जाएगा। हाँ तो फिल्म फेस्टिवल पर चलिए, क्या बात है फिल्म फेस्टिवल वाली पहले बताइए। फिल्म फेस्टिवल में सुदर्शन भाई ये हुआ कि इस बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में काफ़ी अच्छा रहा और लोगों की एंट्री बड़ी अच्छी रही। तो हमारे जो विदेशी जो फिल्मकार थे, तो मैं एकदम से उनका नाम इस समय भूल रहा हूँ, लेकिन मेरे फेसबुक पर वो पूरा है, उसमें वो आर्टिकल है। तो हमने अपने करेस्पॉन्डेंट को भेजा कि भाई उनको इंटरव्यू करके आइए, भाई क्या वो हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें उनकी फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं, और जब ये पूछा कि भाई किन किन लोगों की फिल्में आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें पहला नाम उन्होंने राज कपूर साहब का दिया, और तो जब राज कपूर की बात हुई तो ये हुआ कि भाई फिर आपका क्या ख्याल है कि भाई हिंदुस्तानी जो गीत संगीत है फिल्मों का उसके बारे में क्या ख्याल है। तो एक सुखद आश्चर्य हुआ कि उसने पहली बात ये बोली कि साहब मुकेश साहब का गाना हमें बड़ा अच्छा लगता है, और शंकर जयकिशन का जो म्यूजिक है अच्छा, शंकर जयकिशन का नाम लिया। तो एक विदेशी फिल्मकार जब आपके फिल्मों के म्यूजिक के बारे में बात करता है और वो बिल्कुल एक म्यूजिक डायरेक्टर को वो नाम लेता है शंकर जयकिशन, यस, तो मेरा ख्याल है कि ये अपने आप में शंकर जयकिशन के पक्ष में एक ऐसी उपलब्धि है कि वो कोई विदेशी व्यक्ति अगर ये कह रहा है, जबकि हमारे यहाँ बाद में मॉडर्न या वेस्टर्न म्यूजिक के लिहाज से कई नाम ऐसे आते हैं फिल्मों में, लेकिन उनका नाम न लेकर अगर कोई ऐसे उसका शंकर जयकिशन जैसे शख्सियत का नाम लेता है तो ये अपने आप में, और फिर वो मुकेश का भी नाम लेता है जी, जी, वो किसी और सिंगर का नहीं ले रहा है, हाँ ये लेता है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा अपना खुद का एक एनालिसिस है और उनकी बातों से मैंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि जो किसी भी फील्ड में जो डेप्थ होती है जी हाँ, अगर उसमें फील है जी, तो वो कितनी एवरलास्ट कहाँ तक करती है वो उसका उदाहरण है। सही, सबसे बढ़िया, क्योंकि शंकर जयकिशन के म्यूजिक की जो डेप्थ है, जो रेंज है जी, जो गहराई, तो वो ठीक है कि कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर पहले भी आए बाद में भी आए और तमाम ऐसे नाम होते हैं कि जो तुरंत असर करते हैं और ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल छा गए, लेकिन वो एक बुलबुले की तरह होते हैं कि वो उस समय तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा बुलबुला हो गया, लेकिन वो फिर बर्स्ट हो जाता है। इनका एवरलास्टिंग इम्पैक्ट इनका ये है कि आज की तारीख में जब शंकर जयकिशन को हमारे बीच से गए हुए भी कई दशक हो गए जी हाँ, काफी लंबा अर्सा हो गया, उसके बाद भी उनका म्यूजिक बोल रहा है सही जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो ये मुझे अच्छा लगा। हाँ दरअसल ये है कि भारतीय फिल्में तो विदेशों में लोग देखते हैं, और अब ये होने लगे कि फिल्में अब अक्रॉस द वर्ल्ड रिलीज की जाती है एक ही तारीख, चाहे छोटा शहर हो अपने देश में चाहे विदेशों में, तो लोग भारतीय फिल्मों को संगीत के लिए भी जानते हैं। वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर ऑफ द नेम ऑफ द कंपोजर, सिर्फ जस्ट मेंशन एज दैट पर्टिकुलर फिल्म मेकर वाज अवेयर ऑफ द नेम ऑफ शंकर जयकिशन, ही क्रेडिटेड थे, बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस वी आर क्वाइट पुअर एट द सेल्फ प्रोजेक्शन, व्हाट आई फील, सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स। देखिए मेरा अपना ख्याल है कि जो हिंदुस्तानी फिल्में हैं और जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा है, तो हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी इसलिए सबसे पहले अपने आप से मारी है, वो ये कि हम हिंदी फिल्मों की बात करते हैं, हिंदी जुबान की बात करते हैं, और जब उसको प्रैक्टिस में लाने की बात होती है तो हम अंग्रेज बन जाते हैं, हम अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि जैसे हम बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में हैं, और हम हमारे माहौल की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम ये फिर वहाँ पे उनके ऑस्कर की रेस में अपने आप को भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो शुरुआती जो हमारा जो अप्रोच है वही गलत है जी, भाई
बाकी भाषाओं में जो फिल्में बन रही हैं दूसरे देशों में बन रही हैं, तो उनकी जो अपनी जुबान है, उनका जो अपना कल्चर है, वो उसी की बात करते हैं जी जी, वो उसी में कम्युनिकेट करते हैं जी, वो ये नहीं देखते कि साहब वो अगले के देश में हम जा रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से अपने आप को भी उसी के सांचे में पेश करने की कोशिश करें जी। तो हमें सबसे पहले ये अपना अप्रोच बदलना होगा कि अगर हम हिंदी फिल्मों की बात कर रहे हैं, हिंदी जुबान की बात कर रहे हैं, अपने यहाँ के फोक की बात कर रहे हैं म्यूजिक में, अगर उसी को प्रोत्साहित करना चाहिए तो हमें उसके रंग में रंग के लोगों के सामने आना चाहिए ना जी। तो हम तो बात कर रहे हैं अपने उस फिल्मों की, उस कल्चर की, लेकिन जब हम सामने लोगों के आ रहे हैं तो हम तो बिल्कुल अंग्रेज बन के आ रहे हैं और बिल्कुल वो लग रहे हैं, तो कहीं कोई सामंजस्य तो है नहीं, सामंजस्य की कमी सामने नहीं है ना कोई सामने। आप कुछ दिखा कुछ रहे हैं, आप हैं कुछ और तीसरा प्रोजेक्शन कुछ तीसरा हो रहा है जी बिल्कुल। तो ये हमारा नहीं, मैं एक बड़ी अब आप लोग इधर आ जाइए क्योंकि यहाँ से लाइट जो आ रहा है, बैठिए आप इधर बैठिए। हाँ इसको इस यूएसए की बहुत फेमस बेकरी है, पहले मैं ये इसको ये करूँ नहीं तो हाँ ठीक है। अमेरिका की बहुत फेमस यूएसए की ब्रेवरी कंपनी है, हेनेकिन बियर बनाती है, उसके प्रमोशन में लोगों ने शंकर जयकिशन का एक रॉक म्यूजिक लिया, जान पहचानो जीना आसान, दैट इज द फर्स्ट साउंड ट्रैक ऑफ गुमनाम, द क्लब सॉन्ग एंड डांस इज देयर, बट दिस इज रियली आयरनी दैट द पीपल आर नॉट अवेयर दैट हु कंपोज दिस म्यूजिक। सो दैट इज व्हाई आई मेंशन दैट वी आर क्वाइट पुअर एट आवर सेल्फ प्रोजेक्शन, वी ऑफन गेट फेल्ड इन डूइंग दैट। सेकंड थिंग, the same song was sung by a rock band on some road show there in the USA and they received great applause from the people, the audience. Okay. So this is really what they deserve. They never thought of during their lifetime that after 40 or 50 years of their demise, they will be remembered like this. This is a great achievement. But you see, when the criteria of observing certain things, what I feel, basically it's the work. Yeah. If your work is being appreciated all over the world or some part, it means you are alive. Yes. This is a certificate. But moral, that's a different issue. But the real image is your work. And when, in case of Shankar Jaikishen, what I feel is Shankar Jaikishen from the very from their first film, Barsaat. When you see the composition and you will feel ki it's a complete journey. It starts from one point and which take you to the mountain. Yes. The top edge of the mountain. Yeah. So now, what is this? This is a journey. Journey with depth, journey with feel, journey with emotion, yes. Everything is there. Okay. So how will you define their music if it is compared with the music of others? Just a guess. No, I'm not going to make any comparison, these are all great in their own rights. But how do you distinguish the music composed by Shankar Jaikishen and the installments? I have written one article on Shankar Jaikishen and I have graded Shankar Jaikishen as a particular neurolog. No. Hindi mein koi shabd aapne istemal kiya? Nahi, wo English mein tha, dharm nirpesh ko kya kehte hain? Secular. Haan. The one and only secular music director of our film industry. Yeah. I might have gone through that article. I was not familiar with you. So then I have gone through that article. Now you see. मतलब कोई आदमी उस एंगल में भी सोच सकता था. Why this thought came to me? Yes. मतलब how this evolved? मतलब because all people are aware that people in internal politics are getting angry.
या फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में होती है, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट. हाँ, तो सर्टेन ग्रुप्स आर देयर, दैट टाइम इट वाज देयर, स्टिल इट्स एग्जिस्टिंग. यस, तो व्हाट दे आर डूइंग, सो दे हैव गॉट सम ग्रुप्स, सम पैनल और क्या क्या उसमें वो कि भाई ये हमारे ग्रुप में है, तो अगर एस बी वर्मन है तो वो फिर किशोर कुमार को लेंगे, तो एक ही हुआ कि शंकर जयकिशन है तो राष्ट्रपति की बात होगी तो मुकेश को लेंगे, या फिर वो नौशाद हैं तो मोहम्मद रफी को लेंगे. ये सब ये सारी चीज़ें, लेकिन आप एनालाइज कीजिए. मैंने ये एनालाइज किया, मैंने कहा यार शंकर जयकिशन के ऊपर कोई ऐसा ब्लेम नहीं लगा सकता. अगर शंकर जयकिशन को कोई ये कहता है कि साहब वो उन्होंने मुकेश को ज़्यादा सबसे करवाया, जो कि एक इमेज बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है. शंकर जयकिशन ने रफी साहब को भी वैसे ही इस्तेमाल किया, किशोर कुमार को भी उन्होंने जो यूट्यूब स्टाइल में जो वो इस्तेमाल कर दिया, वो कोई और क्या कर संगीत सफर है सुहाना या फिर नखरेवादी. नखरेवादी तो मैंने देखा या आप देखिए कि आशा भोसले को भी उसने अपने बेस्ट उसमें कर दिया है और लता को भी किया है. इवन मुबारक बेगम को जो बेस्ट है वो शंकर जयकिशन से भी गवाया, गीता दत्त से कर दिया, इवन उषा उत्थुप से गवाया है. तो सवाल ये है कि उन्होंने किसी भी, अच्छा मन्ना डे से भी जो बेस्ट हो सकता है वो उन्होंने कर दिया है. तो इस तरह का म्यूजिक डायरेक्टर कहाँ मिलेगा? तभी मैंने उसको ये कहा कि वो ही वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर, कि मेरा ग्रुप बन गया तो मैं अगर इससे गवा रहा हूँ तो इससे ही गवाऊंगा, इससे नहीं गवाऊंगा, ऐसा नहीं. जैसे लोग बाकी कर, नौशाद ने ये किया, नौशाद साहब की जोड़ी पहले तलत महमूद के साथ थी. शुरू में जो इनकी इनिशियल जो जोड़ी थी वो जब मेला और वो ये फिल्में जब आई थी, अब आप ये बताइए कि हमारी आपकी जोड़ी बन गई और इतनी सक्सेसफुल जोड़ी बन गई जी ना, तो उसके बाद सटेन एक ऐसा कुछ आता है कि आप हमको बाहर निकाल देते हैं और किसी और को ले आते हैं, बिल्कुल नया उस तरीके को जो अभी उस तरीके से इस्टेब्लिश उस वक्त नहीं हुआ. तो सिर्फ इतनी कि आपके एक अपना पर्टिकुलर, आपको एक अपना कास्टिज्म दिखाना था, एक ग्रुपिज्म दिखाना था, वो दिमाग में आपके आ गया जी जी. और आप बार्गेनिंग करते हैं मुकेश को, उन्होंने थोड़ा यही कहा जब बरसात में ये राजकपूर के साथ आ गए और उसी समय ये अंदाज में सब पूरी हुई थी मेला, उसके पहले दूसरी बाकी सारी थी, तो शंकर जयकिशन से वो इतने त्रस्त हो गए. उन्होंने मतलब साफ ये कह दिया कि भैया आप मुकेश भाई आप ये चूज कर लो कि आपको मेरे साथ कहना है इनके साथ रहना. तो मैं तो सिंगर हूँ, मेरे को आप बुलाओगे आपके साथ गाऊंगा, ये बुलाएंगे इनके साथ गाऊंगा, तो बोले कि नहीं आपको तो चूज करना. तो उन्होंने फिर स्टैंड, लेकिन ये तो नहीं, ये आप गलत चीज़ है. उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा, बोले कि साहब मैं तो जो मुझे इन्वाइट करेगा मैं उनके साथ जाऊँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनके साथ जाऊँगा. हाँ आप ही कल को बुलाओगे तो कल को मैं आऊंगा, लेकिन ये आपका डिसीजन है कि आप मेरे को ये कह रहे हो कि नहीं साहब आप उनके साथ रहोगे तो मैं आपको नहीं कहूँगा. तो ये बात मेरे को ना है. तो एक तरह से क्या, उन्होंने शंकर जयकिशन का ही फेवर लिया, उनके उसमें स्टैंड हो गया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं इनके साथ जा रहा हूँ तो उससे मैं आपको मना कर रहा हूँ या आपके साथ नहीं रहा हूँ. मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपका है. आपको लग रहा है कि शंकर जयकिशन का म्यूजिक इस कदम का है और उस समय मुकेश एक स्टार सिंगर बन चुके थे जी, उनको लगा कि ये भाई स्टार सिंगर इसके साथ आएगा तो ये और ऊपर जाएगा. हाँ, तो वो अपने उनके दिमाग की सोच थी. तो उसी तरह से एस बी वर्मन ने भी किया, फिर वो किशोर कुमार को लेके आ गए. किशोर कुमार को लेके आप किसी को भी नए लोगों को लेके आइए तो, लेकिन ले आने का मतलब ये थोड़ी कि आप बाकी जो लोग हैं उनको आप इग्नोर कर दें. शंकर जयकिशन ने तो ये नहीं किया ना, शंकर जयकिशन ने तो ये कभी भी नहीं कहा कि भाई राज कपूर हमको लेके आए हैं या हमारा जो टीम है शैलेन की, हसरत की, मुकेश की, लता की, तो हम इसके अलावा किसी को लेंगे नहीं. उन्होंने तो कभी नहीं कहा जी, उन्होंने सबको लिया जी, शमशाद बेगम को भी लिया. अपने 22 साल के करियर में टिल द डेथ ऑफ जयकिशन जी और उसके बाद टिल 1987 हिज ओन डेथ ऑफ शंकर जी, दे गिव चांस टू मैक्सिमम प्लेबैक सिंगर्स, वीर सुमन कल्याणपुर और इवन उषा उत्थुप और इवन वो केरल से आपके बहुत यशोदास जी, विजय यशोदास, उनको भी चांस दिया. शमशाद बेगम को गवाया उन्होंने, मुबारक बेगम से भी गवाया उन्होंने, मुझको अपने गले लगाया, शारदा जी भी रही उनके रिपर्टायर में. और उसके बाद अपने इस करियर में शंकर जयकिशन ने 40 इंडियन राग्स का इस्तेमाल किया.
जो किसी भी कंपोजर के रिपर्टायर में ये क्लासिकल का उसको जानकारी उनको तो शंकर जयकिशन दोनों लोग जी और उसको किस इक्वली प्रोफेशनल क्लासिकल के अच्छा उससे भी बड़ी बात है जो जिसको मैं रिकॉग्नाइज करता तो वो ये था कि हिंदुस्तानी राग रागनियों को जानना अलग बात है और उन्हीं रागों को वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल कर देना है वो खासियत सिर्फ शंकर जयकिशन में थी जी बिल्कुल यही वजह कि उनकी ग्लोबल अपील है मतलब आवारा हो चाहे मेरा जूता हो जापानी।